बाद में आपको जो है इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी। ओके यस, तो वो लोग जुड़ते रहेंगे, कोशिश करें कि अपन जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़ जाएं। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर। भाई देखो, जो लोग ये हैं भाई, ड्रैगन गेमिंग के नाम से कौन है ये बच्चा भाई वीड। हाँ बेटा, ये आप म्यूट कर लो माइक, म्यूट कर लो माइक, है ना बेटा, माइक म्यूट कर लेना। ड्रैगन गेमिंग, हाँ जी ओके नो प्रॉब्लम। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हेलो ड्रैगन गेमिंग सर जी, अपना नाम बता दीजिए। नाम ही नहीं बता रहे हो भाई, नाम तो बताना चाहिए ना। मैसेज टाइप कर दो अगर बोल नहीं पा रहे हो तो, ठीक है ना। तो अपन क्लास को अभी अभी आप जब मैं आपसे पूछूंगा आंसर्स, तब आप अपने को ऑन कर लीजिएगा, अभी आप ऑफ कर लीजिए। तो आज हम कर क्या रहे हैं, आज हमारी क्लास का विषय क्या है? हमारी क्लास का आज विषय है, टॉपिक है, हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का पूरा पेपर। ओके तो ये आपके पास भौतिक विज्ञान यानी 11th क्लास का पेपर है और इस पेपर को हम पूरा लगाएंगे। ओके यस, देखेंगे भाई। देखिए माइक म्यूट करके बैठिए सभी लोग प्लीज़। यस तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस पीडीएफ आपको आ चुके हैं, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। आप माइक ऑन करके आंसर दे सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बट आंसर केवल आपको एक बार देना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्वांटम सांख्यिकी का विकास किसने किया था? डॉक्टर सी वी रमन, एस एन बोस, होमी जहांगीर भाभा, या है ना, या मेघनाथ साहा। तो आपको बताना है कि आपकी जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसका विकास किसने किया था, क्वांटम मैकेनिक्स का विकास किसने किया था? सी वी रमन ने किया था, ओके, एस एन बोस ने किया था, एंड होमी जहांगीर भाभा ने, या मेघनाथ साहा ने। बताइए क्या है करेक्ट आंसर, किसी को पता है? क्वांटम सांख्यिकी, क्वांटम सांख्यिकी, सॉरी दिस इज नॉट क्वांटम मैकेनिक्स, ये क्वांटम सांख्यिकी है, मतलब क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, क्वांटम स्टैट्स। अगर आप जवाब देने के लिए माइक ओपन करें हैं सो यू आर वेलकम, माइक ओपन करके जवाब दीजिए प्लीज। विवेक सीवी चौ रमन, सी वी रमन, विवेक चौधरी ने कहा है सी वी रमन। यस, तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो आप कह रहे हैं कि सी वी रमन ने किया है, नहीं भाई, क्वांटम मैकेनिक्स जो है, क्वांटम जो स्टैट्स है वो सी वी रमन ने डेवलप नहीं करी है। क्वांटम स्टैट्स पर जो काम किया है वो एस एन बोस ने किया है। तो लिख लीजिए कॉपी में, क्वांटम मैकेनिक्स पर जो काम किया है वो एस एन बोस ने किया है। ओके थैंक यू सर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वांटम मैकेनिक्स पर, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, बार बार मैकेनिक्स बोल रहा हूँ, मतलब क्वांटम सांख्यिकी। अगला, पत्थर को उठाने पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य है। अगर आप पत्थर को उठा रहे हैं, पत्थर को ऊपर उठाने पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वीय बल कैसा कार्य करेगा, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य? गुड क्वेश्चन, कार्य करेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, ऋणात्मक कार्य करेगा। पत्थर को उठाने पर गुरुत्वीय बल जो है ऋणात्मक कार्य करेगा, क्योंकि पत्थर को उठाते हैं तो हमारा काम जो होता है वो धनात्मक होता है, हम जो काम करते हैं वो होता है एम जी एच, ये हमारा काम होता है। मगर ग्रेविटी जो है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो ग्रेविटी काम लेगी, ओके, तो ग्रेविटी का काम यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव, बिल्कुल सही है। अगला बताइए, घूर्णन गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा, घूर्णन गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र? घूर्णन गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा बताइए? बहुत ही सिंपल सवाल है, और जो ना बने आप पूछिए मुझसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो ना बने आप पूछिए, है ना, कहीं से नकल करके या देने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग कोई ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा तो कोई प्रॉब्लम है। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या है बच्चों? अरे ऊर्जा कैसी भी हो, ऊर्जा तो ऊर्जा होती है, और ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है एम एल टी की पावर -2। तो लिख लीजिए, घूर्णन गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है, किसी प्रकार की भी ऊर्जा होती है, सॉरी, एम एल टू टी की पावर -2, इसको भी अभी होना था। सो घूर्णन गतिज ऊर्जा का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है एम एल टू टी की पावर -2।
ठीक है, बैटरी ड्रेन हो गई थी तो इस वजह से हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। नाउ वी आर बैक गाइस। सो चलिए अब बात करते हैं, अगला सवाल है तो क्वेश्चन नंबर सी में कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर सा सा में कोई प्रॉब्लम एक बार बता दीजिए, यस और नो बोल करके। एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर सी? घूर्णन गतिज ऊर्जा, भाई गतिज ऊर्जा कितने भी प्रकार की हो, कैसी भी हो, इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है ML2T2 पावर -2। डन। चलिए यस, क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं। निर्वात में ऊष्मा स्थानांतरित होती है, तो बताइए मुझे कि निर्वात में यानी कि वैक्यूम में ऊष्मा कैसे चलती है? यस, निर्वात में मैंने बताया था ऊष्मा कैसे चलती है, सभी लोग को बताया था क्लास में कि निर्वात में ऊष्मा कैसे चलती है। भाई आंसर दीजिए, ऐसे चुप रहने से काम नहीं बनेगा। यस रवि भाई आंसर दीजिए कि निर्वात में ऊष्मा कैसे चलती है। निशा चक्रवर्ती बताइए, रागिनी बताइए, निर्वात में ऊष्मा चलने का माध्यम क्या होता है? किसी को नहीं पता है तो बोल दो सर नहीं पता। हेलो बच्चों मेरी आवाज आ रही है? सॉरी माइक ऑफ था। हेलो बच्चों क्लियर आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है। यस ओके सर। सॉरी बेटा, ये मैं क्वेश्चन पढ़ गया और मेरा माइक ऑफ था, मैं देख नहीं पाया, सो सॉरी फॉर दैट। तो अगला सवाल, गतिज घूर्णन गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है ML2T2 पावर -2, करेक्ट है? किसी को प्रॉब्लम इसमें? घूर्णन गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, लिख लीजिए, गतिज ऊर्जा किसी भी प्रकार की होती है, ML2T2 पावर -2, इसका विमीय सूत्र होता है। विमीय सूत्र को हमेशा बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। डन। ठीक यस है, सर। यस चलिए सर। अगला बताइए, निर्वात में ऊष्मा कैसे स्थानांतरित होती है? निर्वात में ऊष्मा के चलने का तरीका क्या होता है? दा नंबर सवाल, चालन से, संवहन से, विकिरण से? सारे स्क्रीन नहीं दिख रही ओहो, सर, विकरण स्क्रीन से। से यार नहीं हो रहा यस सर। बेटा बता दिया करिए, बहुत सारे काम होते हैं, कई बार भूल जाता हूँ। चलिए अब दिख जाएगी। यस, तो निर्वात में ऊष्मा के चलने का तरीका क्या होता है, चालन, संवहन या विकिरण? सर विक्रम एग्जैक्टली, विकिरण होता है। आपको मैंने बताया था कि सूर्य से चलने वाली ऊष्मा जो निर्वात में हम तक पहुंचती है, वो किस माध्यम से पहुंचती है? वो विकिरण के माध्यम से पहुंचती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। तो सूर्य से चलने वाली किरण जो होती है वो हम तक रेडिएशन से पहुंचा करती है। डन गाइज। यस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आबा सादा में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है दोलन। तो दोलन में अवमंदन बल जो होता है, दोलन में अवमंदन बल किस भौतिक राशि के अनुक्रमानुपाती होता है? तो दोलन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट थोड़ा सा दोलन की झलक देख लीजिए बच्चों। दोलन में बल होता है अवमंदन बल। ओके, अवमंदन बल एफ प्रपोर्शनल टू होता है विस्थापन के। तो लिख लो बेटा, ये है दोलन का कंसेप्ट, ये है दोलन का सिद्धांत। दोलन का सिद्धांत लिख लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में। यहाँ पे एफ क्या होता है? एफ होता है अवमंदन बल। अवमंदन बल को इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स। सो इन द हेयर रिटार्डिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स जो होता है डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपके आजू बाजू नॉइस है, प्लीज आप माइक को अपने ऑफ करके बैठ जाइए, नॉइस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो अवमंदन बल जो होता है वो रिटार्डिंग फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन के समानुपाती होता है। यस, ये है दोलन की परिभाषा, एफ प्रोपोर्शनल टू -x। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? -kx। माइक बंद कर देना। यस बेटा, बातें नहीं करो बेटा, माइक बंद कर दो। रवि भाई माइक बंद कर दीजिए, आवाजें आ रही हैं। हाँ यस, तो जो दोलन का
आपका सिद्धांत होता है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा दोलन में अवमंदन बल, अवमंदन बल किस भौतिक राशि के समान होता है, आंसर है इसका विस्थापन। नोट करिए इसका है विस्थापन। यस चलिए अब देखिए, देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अच्छा इसका आंसर इन लोगों ने फर्स्ट लिखा है, दोलन में अवमंदन बल द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, गलत आंसर है, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती नहीं होता है। जब मैं आपको दोलन पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको सरल आवर्त गति पढ़ाऊंगा, तो उसमें देखिएगा एफ प्रपोर्शनल टू माइनस एक्स हुआ करता है। हाँ माइक ऑन करके बोलें, समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। चलिए गुड, ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, बताइए वेरी सिंपल क्वेश्चन, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? यस वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही जवाब है कि शक्ति का एसआई मात्रक जो है वो वाट है, तो यहां लिख लीजिए वाट। घूर्णन गति में कार्य कितना होता है? घूर्णन गति में कार्य बताइए कितना होता है। क्लास में आपको डेरिवेशन कराया गया था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होता है घूर्णन गति में, घूर्णन गति में कार्य कितना होता है? चल भाई, हाँ बोलो बोलो। सर बल गुण विस्थापन। हाँ देखो बेटा, ये जो आपने बल गुणे विस्थापन बोला है, डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एफ इंटू डी एस, ये बेटा फॉर्मूला है रेखीय गति का। किसका है? रेखीय गति का। बट मैं आपसे पूछ रहा हूं घूर्णन गति का फॉर्मूला। तो घूर्णन गति में बेटा जो वर्क होगा, बल की जगह यहाँ पे क्या काम करता है बेटा, टॉर्क काम करता है, यानी कि बल युग्म काम करता है, और डीएस की जगह कौन लगता है, डी थीटा। तो घूर्णन गति का फॉर्मूला लिखें टॉर्क इंटू डी थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, लिखो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। दोनों वेक्टर होते हैं, टॉर्क इंटू डी थीटा, जैसे ये भी वेक्टर थे, सदिश, सदिश वेक्टर का मतलब सदिश, हिंदी में पूछ लेना जहां पर दिक्कत हो। ठीक है बोलो भाई, बना कि नहीं बना? ओके सर ठीक है। यस 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 ओके ओके। तो बेटा क्या बताया मैंने, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। तो संपूर्ण कार्य कैसे निकालते हैं, संपूर्ण कार्य होता है डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू रख दो टॉर्क इंटू डी थीटा की लिमिट थीटा वन से लेके थीटा टू। नोट करो ये होता है कार्य का फॉर्मूला, कहाँ लगेगा, घूर्णी गति में लगेगा, घूर्णी गति में ये फॉर्मूला लगेगा। सर और दोलन गति में क्या लगेगा? बेटा दोलन गति में कार्य जो है वो अलग तरीके से निकाला जाएगा, है ना? तो दोलन गति का कार्य मैं जी आपको आगे आने वाले समय में भी पढ़ा दूंगा। दोलन गति में कार्य जो होती है वो ऊर्जा से निकाली जाती है, तो उसके दो फॉर्मूले बनते हैं, एक बनता है बेटा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला और एक बनता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो दोनों फॉर्मूले अलग अलग हुआ करते हैं, अभी मैं आपको बता दूंगा वो फॉर्मूले क्या होते हैं। चलिए जी तो अभी जो सामने है उसको अपन देखते हैं, अगला सवाल आते हैं। ये आ गया हमारे पास, अगला सवाल है, पूछा जा रहा है केशकीय उन्नयन का कारण क्या है। केशकीय उन्नयन समझते हो क्या होता है? केश नली में जब आप किसी पानी को भरते हो, किसी लिक्विड को भरते हो, तो वो केश नली में पानी ऊपर की ओर चढ़ता है, तो केशकीय उन्नयन का कारण क्या है, कौन बताएगा? केशकीय उन्नयन का कारण क्या है बेटा? केशकीय उन्नयन मैंने क्लास में बताया था कि किसी नली में पानी क्यों चढ़ता है, किसी नली में पानी इसलिए चढ़ता है पृष्ठ तनाव की वजह से। तो केशकीय उन्नयन का कारण है पृष्ठ तनाव, लिख लीजिए कॉपी में, पृष्ठ तनाव है केशकीय उन्नयन का कारण। ओके कैपिलरी राइज बोलते हैं इसको इन इंग्लिश, सो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। अगला सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया अगला सवाल, तो आपको बताना है
गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल क्या होगी? गैस के अणुओं की, हालांकि इस साल ये चैप्टर हट गया है सिलेबस से, गैसों का अणुगति प्रभाव, फिर भी नीट में जेई में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सवाल। तो गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल क्या होती है? तो बच्चों लिखें, गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल, है ना, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं आरएमएस स्पीड। फॉर्मूला याद कर लें इसका, बहुत जरूरी है, अंडर रूट 3 KT/m, अंडर रूट 3 KT/m। तो गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल क्या होती है? अंडर रूट 3 KT/m। सर K की जगह R भी होता है ना? देखो बेटा, अगर R करोगे ना आप, K जो होता है बेटा, K का मान होता है बेटा R by Na। R क्या होता है बेटा? गैस स्थिरांक, और Na का मतलब होता है बेटा अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो संख्या। तो अगर आप K की जगह R करना चाह रहे हो बेटा, तो फिर आप क्या करो यहाँ पे, फिर आप यहाँ पर पुट कर दो इसको, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3RT/m इंटू क्या, Na, m इंटू Na। ठीक है, आया समझ में? यस सर। हाँ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। m क्या कहलाता है इसका? अणु भार। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो 3RT/m, 3 KT/m। K क्या होता है बेटा? K को बोलते हैं बोल्ट्जमैन नियतांक, K को बोलते हैं बोल्ट्जमैन नियतांक, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है K। चलिए डन, अगला सवाल करें। अगला सवाल करते हैं, एक विमीय गति में स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? एक विमीय गति में स्वतंत्रता की कोटि, अब स्वतंत्रता की कोटि भी आपको नहीं पढ़ाया गया है, तो जानिए स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है। स्वतंत्रता की कोटि मतलब गैस का एक अणु कितने तरीके से डांस कर सकता है, गैस का एक अणु कितने तरीके से डांस कर सकता है। तो हम बोलें एक अणु वाली गैस कौन सी होती है? हीलियम। तो हीलियम की गैस कैसे चल सकती है? या तो एक्स अक्ष में जा सकती है, या तो वाई अक्ष में जा सकती है, या तो वो जेड अक्ष में जा सकती है। तो हीलियम के अणु के पास, जो कि एक अणु वाली गैस है, कितने रास्ते हैं जाने के लिए? 3 रास्ते हैं। तो इसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? 3 होती है। नोट करिए, इसकी स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है। ठीक है, अच्छा, दूसरा, अगर अगर दो अणु वाली गैस है, जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो इनकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है बच्चों? इनकी स्वतंत्रता की कोटि जो होती है 5 हुआ करती है। लिख लो, द्विअणुक गैस मतलब दो अणु वाली गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? 5। एक अणु के लिए होती है 3, द्वि अणु के लिए होती है 5। समझ में आ गया बच्चों? क्यों भाई, क्या वो प्रॉब्लम हो रही है क्या? समझ में नहीं आया क्या? 3 अणु के लिए कितनी? बेटा 3 अणु के लिए 6 और 7 हुआ करती है, वो अलग अलग केस हैं। अगर रेखीय जमावट है या अलग तरीके की जमावट है, तो 2 अणु तक का भी समझिए, 3 अणु की बात अभी नहीं कर रहे हैं। ओके सर। तो स्वतंत्रता की कोटि देखिए 1 अणु के लिए 3 है। चलिए डन, यस बोल दो, हो गया? यस सर। कहीं पर कोई डाउट है? कहीं पर कोई डाउट है क्या? ओके, नो सर। ओके गुड। चलिए अब बात करते हैं सही जोड़ी बनाइए, अगला सवाल है सही जोड़ी बनाइए। हाँ, तो बताना है आपको आ कॉलम और बा कॉलम में सही क्या जुड़ेंगे। पहला, विस्थापन का परिमाण, विस्थापन का परिमाण जो होता है वो कितना होता है? सही देखिए सभी में से कौन सा है सही ऑप्शन, जो इधर बने हुए हैं 6 इनमें से देखो कौन सा है सही वाला ऑप्शन। विस्थापन का जो परिमाण होता है वो कौन सा है सही वाला, देखिए सर 5वां, दूरी से छोटा अथवा बराबर। ओके,
बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड। विस्थापन का परिमाण हमेशा दूरी से छोटा होता है, क्योंकि दूरी होती है रास्ते की लंबाई। जैसे आप कभी मान लीजिए किसी रास्ते पर जा रहे हैं, तो ये है दूरी। तो ये दूरी जो है, ये पूरी रास्ते की लंबाई जो ऊपर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता गया है, ये दूरी कहलाता है। मगर जहाँ से स्टार्ट करे और जहाँ तक जाना है, वहाँ पर एक सीधी लाइन खींच दो, तो ये कहलाता है विस्थापन। तो ध्यान से देखिए, जो दूरी होती है वो विस्थापन से सदैव, अब क्या बेटा, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है। तो करेक्ट आंसर है इसका दूरी। विस्थापन का परिमाण, विस्थापन हमेशा छोटा होता है। तो आ नंबर में क्या आएगा बेटा, आ नंबर में आएगा पांचवा। तो ये है पांचवे का आंसर, बिल्कुल सही। चलिए अगला, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? चाल सर, चाल। वेरी गुड, बिल्कुल स्मार्ट आंसर, वेरी गुड। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल बोलते हैं, और एकांक समय में चले गए विस्थापन को वेग बोलते हैं। तो एकांक समय में चली गई दूरी क्या होगी? चाल होगी। और विस्थापन का परिमाण, एक मिनट बच्चों, विस्थापन का परिमाण मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया? एक मिनट बेटा, ये तो मैंने कुछ, हाँ, विस्थापन का परिमाण ठीक है, इसका जो है पहले का दूरी से छोटा या बराबर। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल बताइए, सदिश राशि क्या होती है? कौन सी है इसमें सदिश राशि? द्रव्यमान, वेग सर, संवेग। बिल्कुल सही, सदिश राशि दी गई राशियों में वेग है, तो इसका आंसर होगा वेग। चलिए अगला बताइए, जड़त्व की माप क्या होती है? जड़त्व किससे नापा जाता है? रेखीय जड़त्व की बात हो रही है, रेखीय जड़त्व को किससे मापा जाता है? हाँ बोलो। सर हाँ, संवेग द्रव्यमान, परिवर्तन। बिल्कुल सही है। जड़त्व की माप जो होती है वो द्रव्यमान होती है। अगला अगला सवाल, बल का आवेग क्या होता है? आवेग बराबर क्या हुआ करता है? आवेग बराबर, फॉर्मूला पढ़ाया गया था, आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। लिख लें सूत्र, I इक्वल टू डेल्टा P, यानी I इक्वल टू P2 माइनस P1। संवेग में परिवर्तन को बोलते हैं आवेग, इसी को बोलते हैं आवेग। और बल क्या होता है? बल होता है संवेग में परिवर्तन की दर, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो ये होता है बल। चलो समझ में आया, बल होता है संवेग में परिवर्तन की दर, डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, जिसको हल करके आता है एम इंटू ए, बल बराबर एम ए। यस, क्लियर की नॉट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक यस, ओके। तो है। चलिए अगला बात करते हैं। हाँ, बल का आवेग क्या होगा बोलो? ई का क्या होगा? संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन की दर संवेग नहीं में परिवर्तन होगा। की गलत गलत गलत, संवेग में परिवर्तन होगा, संवेग में परिवर्तन की दर नहीं होगा। ध्यान से देखो मैंने क्या पढ़ाया, बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर, और आवेग बराबर क्या होता है? केवल संवेग में परिवर्तन, क्योंकि दर लगाओगे तो अपॉन में डेल्टा टी आएगा, और डेल्टा टी जैसे आएगा तो क्या बनेगा? बल बनेगा। तो दो अलग अलग बातें हैं, एक है संवेग में परिवर्तन और एक है संवेग में परिवर्तन की दर। तो जो आवेग होता है वो संवेग में परिवर्तन होता है। समझ में आया? यस चलिए, तो आवेग बराबर हो गया संवेग में परिवर्तन। चलिए बहुत बढ़िया, तो चेक कर लीजिए ये आपके आंसर्स हैं। बल का आवेग बराबर ई का, देखो सेकेंड वाला है संवेग में परिवर्तन, बिल्कुल सही। पहले का क्या दिया हुआ है? पहले का सातवां दिया हुआ है, बिल्कुल गलत है। देख रहे हो परीक्षा अध्ययन में गलत आंसर लिखे हुए हैं। आ का सातवां नहीं होगा, आ का कौन सा होगा? विस्थापन का परिमाण क्या होता है? दूरी से छोटा या बराबर। यस, चलिए अगला सवाल, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या है? एक वाक्य में उत्तर लिखो, प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या है?
प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र। तो प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र बच्चों लिख लो, प्लांक नियतांक को एच से निरूपित किया जाता है और इसका विमीय सूत्र है एम एल टू टी की पावर माइनस वन। ये है प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र। कहाँ से आया देख लो, कहाँ से आता है फॉर्मूला, क्या होता है बेटा प्लांक नियतांक का? प्लांक नियतांक के लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं ई इक्वल टू एच न्यू। ई का मतलब ऊर्जा, एच का मतलब प्लांक नियतांक, न्यू का मतलब आवृत्ति। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, ई बटे न्यू। ई की वैल्यू रख दो, ई मतलब ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है एम एल टू टी की पावर माइनस टू, और न्यू क्या होता है, न्यू मतलब आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब एक बटे आवर्तकाल। लिख लो आवृत्ति बराबर एक बटे आवर्तकाल। तो क्या बन गया ये बन गया एम एल टू टी की पावर माइनस टू और टी पलट करके ऊपर आ गया तो आंसर क्या हो गया एम एल टू टी की पावर माइनस वन। तो ऊर्जा का फॉर्मूला एम एल टू टी की पावर माइनस वन, नोट करें ऊर्जा बराबर हो गई एम एल टू टी की पावर माइनस वन। ठीक है बच्चों, सॉरी प्लांक नियतांक निकाल रहे थे ना, ऊर्जा क्यों होगी भैया, प्लांक नियतांक होगा बेटा, गलती से ऊर्जा लिख दिया। तो प्लांक नियतांक का फॉर्मूला एम एल टू टी की पावर माइनस वन। चलो समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं आया है तो बताइए। नोट कर रहे हैं। नोट कर लो, बिल्कुल कर लो। ओके बेटा, कुछ बच्चों के आसपास में बिल्कुल नॉइस नहीं है, वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जिनके पास नॉइस है वो उनको मैंने मना किया है, जिनके पास नॉइस नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। डन सर। ओके गुड, चलिए अब अगले सवाल की बात करते हैं बेटा। स्प्रिंग बल के नियतांक का एसआई सूत्र, भाई बड़ा ही प्रसिद्ध क्वेश्चन, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। स्प्रिंग बल के नियतांक का सूत्र और एसआई मात्रक बताओ, कौन बताएगा? स्प्रिंग बल के नियतांक का सूत्र और साथ में एसआई मात्रक, दोनों चीजें बतानी है। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है स्प्रिंग बल, अभी अभी स्प्रिंग के अंदर काम करने वाला बल प्रत्यानयन बल ही तो होता है। तो क्या होगा फॉर्मूला, F बराबर हो गया kx, so k is equal to हो गया F upon x। नोट कर लें, ये हो गया, इस k को क्या बोलते हैं बच्चों, स्प्रिंग नियतांक। ये k है स्प्रिंग नियतांक, k कहलाता है स्प्रिंग नियतांक। ओके, इसकी इकाई बोली गई है, तो बल की इकाई क्या होती है बच्चों, न्यूटन, और x की इकाई क्या होती है, मीटर। तो इकाई क्या बन गई, न्यूटन पर न्यूटन मीटर माइनस न्यूटन मीटर की पावर माइनस वन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, न्यूटन मीटर की पावर माइनस वन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नोट ना कर पाओ तो रोक देना मेरे को। अगला बताइए, घूर्णन गति के लिए तृतीय समीकरण क्या है? बेहद आसान सवाल, घूर्णन गति का तृतीय समीकरण बताना है। मैंने आप लोग को करवाया था ये सवाल, बताइए क्या होता है घूर्णन गति का तृतीय समीकरण। घूर्णन गति का तृतीय समीकरण क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, देखिए घूर्णन गति के लिए तृतीय समीकरण मैंने क्या करवाया आप लोग को, ठीक है, मैंने तीन समीकरण बताए थे आपको, पहले पहले बताए थे रेखीय गति के। तो रेखीय गति के समीकरण क्या होते हैं बच्चों, v बराबर u प्लस ए टी, एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस टू ए एस। कहो बच्चों होता है कि नहीं होता? Yes, sir. अब बिल्कुल इसी के जैसे बेटा, यहाँ ये कौन सी गति है, ये गति है रेखीय गति, ऐसे ही होती है घूर्णन गति। तो घूर्णन गति के समीकरण बना लो बच्चों, क्या बनेंगे, v की जगह v क्या है, अंतिम वेग। घूर्णन गति में अंतिम वेग क्या होता है, ओमेगा, प्रारंभिक वेग होता है ओमेगा जीरो। यहाँ पे त्वरण होता है
यहाँ पे कौन सा त्वरण होता है? कोणीय त्वरण अल्फा टी, ये बन गया पहला समीकरण। दूसरा क्या बनेगा? ये होता है रेखीय विस्थापन, यहाँ पर आता है कोणीय विस्थापन, थीटा इक्वल टू ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और लास्ट वाला क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। तो हमारे काम का तीसरा है, मतलब हमारा आंसर ये होगा। नोट कर लीजिए तीनों समीकरणों को। डन? यस सर। चलिए अगला सवाल करते हैं। ये घूर्णन पर हो गई, घूर्णन गति के लिए तृतीय समीकरण। अगला सवाल है पृथ्वी तल पर पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। पृथ्वी के तल पर कोई पिंड रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान m है और इसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा बतानी है, मतलब u बताना है। बताइए u का फॉर्मूला क्या पढ़ाया मैंने आप लोग को? u का फॉर्मूला क्या पढ़ाया है? नहीं है याद? इतने इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों, ये तो नीट में और बिल्कुल लिख के आते हैं यही के यही सूत्र। तो क्या होता है यू का फॉर्मूला? वेरी सिंपल, लिख लो माइनस जी अर्थ का मास स्मॉल एम बॉडी का मास अपॉन आर, लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, यू इक्वल टू होता है माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। तो गुरुत्वीय जो आपकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला है, U इक्वल टू माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर, ये है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का सूत्र। चलिए अगला सवाल है माध्य मुक्त पथ की परिभाषा लिखिए। अब ये माध्य मुक्त पथ मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं अभी बता देता हूं कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है। ये मान लो बेटा आपके पास कोई कमरा है, कोई पात्र है और इसके अंदर गैस भरी हुई है। ये देखिए इसके अंदर ये गैस है, तो ये गैस यहाँ टकराएगी और इसके बाद यहाँ टकराएगी, समझ गए ना? तो देखिए मान लो गैस की कोई भी दो लगातार टक्कर देख लो, गैस की कोई भी दो लगातार टक्कर देख लीजिए, ठीक ना? तो गैस की कोई भी दो लगातार टक्कर देख लीजिए, तो दो लगातार टक्कर में जैसे ये देखो, ये पहली टक्कर, टक्कर नंबर वन, और यहाँ पे फिर टक्कर नंबर टू दूसरे से टकराई, तो दो लगातार टक्कर के बीच में जो लंबाई होती है रास्ते की, जो पथ की लंबाई होती है, इसको हम बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। समझ में आया? ठीक ना, माध्य ये कहलाता है बेटा मुक्त पथ, ये कहलाता है मुक्त पथ या पथ, माध्य मुक्त पथ। तो ये मुक्त पथ है, तो समझो मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें हमें माध्य भी निकालना है तो थोड़ी सी कहानी अलग है। मान लो ये गैस है, ये गैस है, ये इसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने की दूरी पहली कितनी है? लैम्डा वन, फिर टकराई, फिर दूसरी कितनी दूरी कितनी है? लैम्डा टू, फिर टकराई, अगली दूरी कितनी है? लैम्डा थ्री। इस तरीके से ये गैस कई बार टकरा रही है, ये दूरी हो गई लैम्डा फोर। तो इतनी दूरियां हैं, इन सब दूरियों को, ये जो बीच की दूरी है, इनको हम बोलते हैं मुक्त पथ। और अब इन मुक्त पथ का औसत निकाल लो, तो औसत क्या होगा? औसत बराबर लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री प्लस लैम्डा फोर डिवाइडेड बाई फोर। औसत होगा इन सभी दूरियों का योग डिवाइडेड बाई चार। ये जो औसत आया है बेटा, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे माध्य मुक्त पथ। नोट कर, इसको कहेंगे हम माध्य मुक्त पथ, ठीक ना? तो ये जो औसत कहलाएगा हमारा, ये औसत कहलाएगा हमारा माध्य मुक्त पथ। तो माध्य मुक्त पथ की परिभाषा भी लिख लो। अणु द्वारा दो उत्तरोत्तर टक्करों के मध्य एक समान चाल से तय की गई सरल रेखीय दूरियों का औसत कहलाता है माध्य मुक्त पथ।
बहुत बढ़िया, 16-17 लोग जुड़े हुए हैं, मतलब अभी 28-23 थे, अब जुड़े हुए हैं 17 लोग, बहुत अच्छे। इनकी सबकी अटेंडेंस लेके डाली जाए, ठीक है ना। ये पढ़ने को बच्चे राजी नहीं हैं, सारी मेहनत करने के बाद भी हैं बच्चे रेडी नहीं हैं, अभी देखना पूरे के पूरे जुड़ेंगे तत्काल रूप से। यस, चलिए बोलो, क्लियर है बच्चों यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? यस सर। ओके, चलिए तो ये हो गया। अब इसके बाद होमवर्क क्या है बच्चों, ये इस शीट से आपको ये जो प्रश्न मैंने भेजे हैं ये आपको सारे के सारे होमवर्क करके लेके आने हैं, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना। अब ये पार्ट तो हो गया है, ये सारे होमवर्क आपको करने हैं। अब जी देख, सर। ठीक है चलिए, अब देखिए अगला काम करते हैं, हाँ आगे देखते हैं। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगली शीट पे बात करते हैं, अगला डिस्कशन करेंगे। पहला सवाल, पहला सवाल है, सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, इस नियम के बारे में भैया किसने बताया था, है ना, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इस अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? सुनते ही आप लोगों ने बोला, आपने सुनते ही केपलर बोल दिया है, जबकि केपलर के तीन लॉ थे। पहला लॉ उसने बताया था कि जो कक्षा है वो दीर्घवृत्ताकार है, दूसरा लॉ उसने क्या बताया था, दूसरा लॉ बताया था उसने एरिया के बारे में, क्षेत्रफल का नियम दिया था, और तीसरा लॉ उसने दिया था कि इनके टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो रेडियस के त्रिज्या के क्यूब के घन के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, नहीं तो तब तक लोग ये मान रहे थे कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। समझ में आया? बोलो क्लियर है, यस की नो? यस सर। ओके यस सर। चलिए अगला सवाल पढ़ो बेटा। किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है, बताओ। विस्थापन। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। किसी गतिमान कण के लिए विस्थापन शून्य हो सकता है, बिल्कुल सही। कोई कण गतिमान है, चल करके आ रहा है, मगर उसका विस्थापन क्या है, शून्य है, बिल्कुल सही। यहाँ पे गतिमान कण के लिए विस्थापन शून्य हो सकता है। तीसरा सवाल पढ़िए, कोई भी बच्चा पढ़े तीसरा सवाल। विवेक की अनेक सारे गणगण चलो आसमान की ऊंचाई से एक साथ ऊर्ध्वाधर नीचे गिराई जाती हैं, उनके पृथ्वी पर टकराने के क्षण विभिन्न विभिन्न होगा। हाँ, दो विभिन्न ब्रह्मांड की वस्तुएं, अनेक अनेक वस्तुएं समान ऊंचाई से एक साथ गिराई जाती हैं नीचे की ओर, उनके टकराने पर क्या विभिन्न विभिन्न होगा? समय अलग अलग होगा, सर समय त्वरण अलग अलग होगा, है ना, आपको बताना है। समय अलग अलग होगा, त्वरण अलग अलग होगा, वेग अलग होगा, या संवेग अलग अलग होगा, बताइए। संवेद संवेग, बिल्कुल मैं सही। अलग। समय अलग अलग नहीं होगा बच्चों, आपको पता होगा, दो अलग अलग, चाहे हाथी फेंको या तुम सुई फेंको, अगर समान ऊंचाई से गिराओगे तो टकराने समय दोनों का वेग भी समान होगा और दोनों को लगने वाला समय भी बराबर होगा, मगर संवेग अलग अलग होता है, क्योंकि संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग,
तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग ज्यादा होगा, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, संवेग। ठीक है बोलो हाँ या ना। सर। ओके सर। चलिए ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी के अति समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होती है? अगर कोई पृथ्वी के बहुत समीप गति कर रहा है उसकी कक्षीय चाल क्या होगी बताइए, कक्षीय वेग क्या होगा? अंडर रूट बी इक्वल अंडर रूट जी आर। वी इक्वल टू अंडर रूट जी आर बोला गया है यहां पर, जो कि बिल्कुल कक्षीय वेग बोला गया है, बिल्कुल सही है बेटा। अंडर रूट टू जी आर नहीं होता है, अंडर रूट टू जी आर होता है पलायन वेग, और कक्षीय वेग होता है अंडर रूट जी आर। नोट कर लीजिए, कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट जी आर होता है, एकदम सही। नोट कर लें ठीक है। सर हाँ ये बच्चे हल्ला कर रहे हैं बेटा, माइक म्यूट कर लो। हाँ अगला सवाल, साधारण ताप पर प्रत्येक ठोस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा, हाँ एक ठोस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? साधारण ताप पर एक ठोस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा, बच्चों ये याद कर लीजिए आप लोग, ठोस की जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है याद कर लीजिए, 2 कैलोरी पर मोल पर कैलविन। ठोस की जो कोई भी साधारण ताप पर ठोस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, इसको रटना है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन, कोणीय वेग का विमीय सूत्र बताओ भाई, कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? कोणीय वेग का विमीय सूत्र, ओमेगा का विमीय सूत्र बताइए क्या होता है? नहीं पता? सर हाँ बेटा बोलो। एम की पावर 0, एल की पावर 0, एन टी की पावर 0, टी एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, मतलब कुछ बचा ही नहीं। की पावर -1 बिल्कुल सर, सही टी की पावर -1। एग्जैक्टली बेटा, एम की पावर 0, टी की पावर, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर -1, बिल्कुल सही। एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर -1, बिल्कुल सही। अगला सवाल, सदिश 3i कैप प्लस 4j कैप का मापांक क्या है? बहुत ही सरल सवाल, बताइए कैसे निकालते हैं मापांक? अंडर रूट ए फाइव का सर। स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर कितना होगा इसका, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में गति करते हुए उपग्रह को अभिकेंद्रीय बल किससे मिलता है? कौन से बल से अभिकेंद्रीय बल बनता है? गुरुत्वाकर्षण बल। वेरी गुड वेरी गुड बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल से अभिकेंद्रीय बल बनता है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, रबड़ स्टील की अपेक्षा कैसा प्रत्यास्थ होता है, ज्यादा या कम? रबर स्टील की अपेक्षा, ज्यादा बिल्कुल गलत जवाब है, मैंने क्लास में करवाया था, रबर कम प्रत्यास्थ होता है, स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ होता है। चलिए अगला सवाल, अभी अभी पढ़ाया मैंने, एक परमाणु गैस के अणुओं की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? एक परमाणु गैस की 3, यस तो 3 होती है, एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है। चलिए अगला सवाल ये है, अगले सवाल में आपको जो है मैच करना है, सही मिलान करना है, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ सही मिलान करने के लिए, और सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ, आपको सही मिलान करके मुझे बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, ये मैंने सवाल आपके सामने छोड़ दिया, ये लीजिए ये लिखा है आपके सामने सवाल, आपको सही मिलान करना है और मैं 3 मिनट में आपसे वापस जुड़ता हूँ, तब तक आप इसका सही मिलान करके रखिए।
एवरीवन, सभी लोग हैं, कर लिया क्वेश्चन बच्चों? यस सर, वेल डन। चलिए तो ठीक है, देखते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने आंसर भी दिए हैं। ओके गुड, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है। तो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को आप अगर 1 वोल्ट से ऊर्जा दे दें तो वो कहलाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लिख लीजिए 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। बहुत लोगों से पूछा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो बोल देते हैं ये वोल्टेज है। बट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वोल्टेज नहीं होता है, ये ऊर्जा होती है, और ये होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। अगला, 1 किलोवाट घंटा, ये आपने पढ़ा होगा, 1 kWh, 1 किलोवाट आवर, जो आपके घर में बिजली की यूनिट नापी जाती है। 1 यूनिट बिजली जल गई, 2 यूनिट बिजली जल गई, तो एक्चुअली 1 किलोवाट आवर जो होती है 1 यूनिट बिजली होती है, और ये होती है 3.6 × 10⁻⁶ जूल।
बोलो सही है बच्चों। यस ओके, बल, बल क्या होता है भाई? बल अदिश है कि सदिश है? अरे भैया बल के लिए दिशा जरूरी है, मैंने क्लास में बताया था सदेश आपसे। बल बल एक सदिश सदेश राशि है। जब भी आप किसी को धमकी दे रहे हो तो बोलें कि मैं तुम्हें 5 न्यूटन का घूंसा उत्तर की दिशा में मारूंगा, है ना, एज अ फिजिक्स स्टूडेंट। कार्य, कार्य कैसा बच्चों? कार्य जो है कैसी राशि है? अदिश राशि है, अधिश अदिश राशि है। एंड यस, एंड राशि बात करते हैं द्रव्यमान गुणे गुणन। बेटा ये कौन बात कर रहा है? बंद करिए माइक, जैसे ही साउंड हुआ करे बंद कर दिया करो, है ना। क्लास का वीडियो लेक्चर बन रहा है बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए दिक्कत होगी बाद में। कार्य अदिश राशि है। एंड द्रव्यमान गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, क्या पढ़ाया था मैंने? एम आर स्क्वायर, यस बिल्कुल सही, ये कहलाता है जड़त्व आघूर्ण। यस, एक मिनट बेटा, घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग, तो बेटा ये कहलाएगा जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण नहीं कहलाएगा। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है एफ इंटू आर, जबकि जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। तो यही द्रव्यमान बैठा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला है द्रव्यमान गुणे गुणा से लंबवत दूरी एम आर स्क्वायर, तो ये बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण आई। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है प्रत्येक का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रत्येक का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला सवाल है, यदि एक वस्तु वृत्तीय मार्ग पर समान समय में समान दूरी तय करती है, समान समय में समान दूरी तय करती है, तो वस्तु का वेग एक समान होगा या परिवर्ती? परिवर्ती परिवर्ती, परिवर्ती सर। बिल्कुल सही, क्योंकि यहां पर बोला गया है समान दूरी, दिशा नहीं बताया गया है, जबकि वेग के लिए दो चीजें होती हैं, दिशा और साथ में वेग समान होगा जब विस्थापन समान होगा, दूरी से मतलब वेग का नहीं है, इसलिए यहां पर जो इसका वेग होगा वो परिवर्ती वेग होगा। समझ गए? अगर विस्थापन समान होता तो एक समान वेग होता, परिवर्ती वेग होगा। चलिए अगला, क्या कोई उपग्रह, एक मिनट बच्चों, नॉइस ज्यादा हो रही है, मैं जिसको बोलूंगा वो जवाब देगा। दीपक कोरी बेटा, अभी आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। शिव पटेल, माइक ऑफ कर लीजिए, मैं आपसे जवाब पूछूंगा तब बताइएगा। यस ठीक है, अब शिव पटेल, मैं आपसे जवाब करूंगा, एक सवाल करूंगा आपसे, मैं बारी बारी बच्चों के नाम लेकर के उनसे सवाल पूछूंगा। यस, तो देखिए अब सवाल ये है, शिव बताएंगे कि क्या उपग्रह अपनी कक्षा में घूमते हुए, क्या उपग्रह अपनी कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बल कोई कार्य करता है कि नहीं करता? देखिए, क्या कोई उपग्रह है वो अपनी कक्षा में घूम रहा है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल अंदर की तरफ लग रहा है, उसके विरुद्ध क्या कोई कार्य करता है कि नहीं करता? नहीं करता सर। नहीं करता, क्यों नहीं करता बेटा बताओ, रवि मुझे बताओ क्यों नहीं करता? क्या इसका जवाब आपको पता है कि नहीं पता? देखो कोई चीज नहीं पता हो ना, खुल के बोला करो, सर नहीं पता, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ आपको बताने के लिए बैठा हूँ, इसमें कोई दुख करने वाली बात, शर्माने वाली बात नहीं कि आपको नहीं पता। सर फर्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल बेटा, पहला क्वेश्चन मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि एक वस्तु वृत्तीय मार्ग में समान समय में समान दूरी तय करती है, तो उसका वेग एक समान होगा या परिवर्ती? चलो इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। न्यू फाइल ले लेता हूँ, यस न्यू, इसको सेव कर देते हैं, वन नंबर से वन। चलिए, तो आपसे मैं सवाल, आपने जो मुझसे कहा है वो इसका जवाब ये है। देखो बेटा, मान लो ये सूर्य है और सूर्य के अबाउट में, सूर्य के परितः पृथ्वी जो है समान दूरी ट्रेवल करती है, समान दूरी ट्रेवल करती है, हर साल 365 दिन में पृथ्वी अपनी क्या बोलते हैं उसको, परिधि का चक्कर लगा करके वापस आ जाती है। समझ गए ना, परिधि का चक्कर लगा के आ जाती है। अब मैं बोलूंगा यहां पर पृथ्वी का वेग क्या है, क्या पृथ्वी का वेग एक समान है या पृथ्वी का वेग परिवर्ती है, बताओ मुझे। तो सर वो तो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग लगाती है, तो उसका परिवर्ती होता है अरे न्यूटन भैया से, या लॉ देखो के देखो हिसाब देखो, ठीक है मैं मानता हूं कि वृत्ताकार है, बट पूरी जो मोशन पढ़ी गई है, पूरी जो ग्रेविटी पढ़ी जाती है, वो सर्कुलर लेके पढ़ी जाती है, अभी हम उस पे नहीं जा रहे हैं। चलो अगर दीर्घवृत्ताकार है या वृत्ताकार भी है, मैं कहता हूँ चलो दीर्घवृत्ताकार मत मानो, अगर वृत्ताकार है तो इसका आंसर क्या होगा, एक समान वेग
होगा कि परिवर्ती वेग होगा, बताओ। सर समान समय में समान दूरी तय कर रही तो सर एक समान होना चाहिए। अच्छा, एक समान पे तो आप चले गए, बट आप इस पे नहीं ये गए कि मैंने वेग बोला है या चाल बोला है। अगर आप अपना उत्तर देते एक समान चाल, तो मैं आपके उत्तर से बिल्कुल सहमत होता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अगर आपका उत्तर होता एक समान चाल, बट फिलहाल आपका जो उत्तर है वो एक समान है। आपको मैंने बोला है वेग के बारे में, और होगा कि वेग जो होता है वो दिशा पर भी निर्भर करता है, तो बताओ यहां पर दिशा लगातार बदल रही कि नहीं बदल रही है। यस हाँ, दिशा के बदलने के कारण वेग कभी एक समान नहीं हो सकता। चाल एक समान हो सकती है, क्योंकि चाल एक अदिश राशि है, और चाल जो होती है वो दिशा पर निर्भर नहीं करती है, मगर वेग तो सदिश राशि है और वेग तो दिशा पर निर्भर करेगा, तो इसलिए यहाँ पर एक समान नहीं होगा, वेग कैसा होगा, परिवर्ती होगा। समझ में आया? सर। चलो नोट करो, अगला सवाल करते हैं, ठीक ना? यस, अगला सवाल देखते हैं क्या है। कोई उपग्रह अपनी कक्षा में घूमते हुए किसी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कोई कार्य करता है कि नहीं करता? तो उन्होंने बोला सर नहीं करता। रवि ने कहा कि नहीं करता, मुझे बताओ रवि कि क्यों नहीं करता, इसका जवाब पता है आपको? हाँ भाई रवि बोलो बेटा जल्दी, पता है कि नहीं पता? यस सर हाँ बोलो सर मैं बोलूं बोलो, बिल्कुल बोलो बेटा, सर, रंगला क्योंकि उसका सर क्योंकि उसका विस्थापन शून्य होता है, वो गोल मतलब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, तो उसका विस्थापन शून्य होता है, जिसके कारण कार्य भी शून्य होता है सर। अच्छा ये बताओ कि अगर मैंने कहा कि पृथ्वी यहां से चक्कर लगाते हुए यहां पर आ गई, चलो अब तो विस्थापन शून्य नहीं है, अब कार्य जीरो होगा कि नहीं होगा? अब जीरो होगा कि नहीं होगा कार्य? अब कार्य बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा सर कार्य। नहीं, बिल्कुल गलत बेटा। कार्य हर अवस्था में जीरो होता है, उसका कारण देखो। ये बताओ बेटा जो बल लगता है उपग्रह के ऊपर, बल कहाँ लगता है? अंदर, हाँ या ना? यस सर, लंब लंबवत लगता है बल, इसके कारण हाँ 90 डिग्री होता है। वेरी यस गुड सर, यस सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितने डिग्री जी होता सर, है? 90 डिग्री होता है, इसलिए किसी नाइनटी प्रकार का डिग्री वर्क नहीं होता है, और वर्क नहीं होगा तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी कितना होगा? जीरो, क्योंकि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती जीरो है, किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। नोट कर लीजिए ऊर्जा में बच्चों, परिवर्तन। हाँ, तो इसलिए ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, नोट करिए इसको पहले। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट नंबर सी, रंगलाल पढ़ो क्या है क्वेश्चन। पढ़ो बेटा रंगलाल, तुमसे सवाल है, क्वेश्चन पढ़ो। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती चलो है? बताओ जरा भैया, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, क्या पढ़ाई गई है बर्फ की गुप्त ऊष्मा? बर्फ जो है गलने में कितनी ऊष्मा लेता है? 1 ग्राम बर्फ आप पिघला सर रहे हो, सुनो। 80 कैलोरी पर ग्राम। जीरो, वेरी गुड, 80 कैलोरी एट्टी पर ग्राम, बिल्कुल सही, 80 कैलोरी पर कैलोरी ग्राम। अगर आप 1 ग्राम बर्फ को पिघला करके 1 ग्राम पानी बना रहे हो, अगर 1 ग्राम बर्फ को पिघला करके आप जो है बच्चों मेरे 1 ग्राम अगर आप पानी बना रहे हो, तो आपको कितना देनी पड़ेगी ऊष्मा? आपको देनी पड़ेगी आपको देनी पड़ेगी कितनी ऊष्मा? आपको देनी पड़ेगी 80 कैलोरी। तो ये कहलाती है बेटा गलन की गुप्त ऊष्मा, लिख लो कॉपी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है ये। गलन की गुप्त ऊष्मा इक्वल टू होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, नोट कर लीजिए 80 कैलोरी पर ग्राम, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, तो ये हो गई गलन की गुप्त ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है
नियत आयतन पर गैस का ताप बढ़ाने पर, वाह भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन, नियत आयतन पर गैस का ताप बढ़ाने पर उसके दाब में क्या प्रभाव होगा। कल परसों ही मैंने पढ़ाया है, नियत आयतन मतलब वी कांस्टेंट है, वी क्या है कांस्टेंट है, तो अगर वी को नियत रख दो कौन सा नियम लगता है, तब लगता है गैस के दाब का नियम, गे लुसाक का नियम लगता है। और गे लुसाक का नियम क्या कहता है, पी समानुपाती टी, मतलब तापमान बढ़ेगा तो दबाव भी बढ़ेगा। पड़ेगा यस, तो बताओ आंसर क्या आएगा बच्चों, नियत आयतन दाब पर दाब बढ़ेगा, बढ़ेगा, वेरी गुड, यहां पर दाब क्या दाब होगा बढ़ेगा, तो लिख लो उत्तर में बढ़ेगा। बहुत मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अगला, सरल आवर्त गति करते हुए कण का अधिकतम वेग कब होगा, सरल आवर्त गति करते हुए। इसके लिए मैं आपको पहले एक उदाहरण दे देता हूं, फिर मैं आपसे खुद पूछूंगा कि सही जवाब क्या है। सरल आवर्ती गति का मतलब होता है डिंग डोंग गति। अब डिंग डोंग गति का मतलब ये है कि मान लो ये एक तुमने यहां पर एक धागे से लटका दिया है कोई बड़ा सा गोला, इस व्यवस्था को बोलते हैं लोलक। क्या बोलते हैं इसको, लोलक, ठीक ना। लोलक। हाँ, और इंग्लिश को बोलते हैं पेंडुलम, इंग्लिश में इसको पेंडुलम कहते हैं। ओके तो ये है पेंडुलम। आपका, ये पेंडुलम अवस्था कहलाती है। हाँ, अब देखिए पेंडुलम में आपने इसको, दीपांशु मिश्रा जी बहुत लेट हो गए बेटा आप, तो पेंडुलम इसको लटकाने के बाद में आप बताना है, आपने इसको झटका दिया तो झटका दोगे तो थोड़ी दूर तक यहाँ जाएगा और थोड़ी दूर तक यहाँ आएगा और बीच में ऐसे करेगा, तो इसलिए इस गति को बोलते हैं हम दोलनी गति। ये गति क्या कहलाती है, दोलन गति कहलाती है ये गति, और दोलनी दोलनी, दोलनी गति या दोलन गति, ठीक ना। और यह उदाहरण होती है एक सरल आवर्त गति का, सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति कौन सी गति होती है, सरल आवर्त गति वो गति होती है जिसमें एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मतलब एफ समानुपाती माइनस एक्स या एफ बराबर के एक्स का नियम जो गति पालन करती है उसको हम कहते हैं सरल आवर्ती गति। तो मुझे बताओ यहां पर इस लोलक की स्पीड यानी वेग सबसे ज्यादा कहां पर होगा, इस पॉइंट का नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी, बताओ कहां पर पॉइंट स्पीड सबसे ज्यादा होगी, ए पर, बी पर या सी पर। सर बी पर, बी पर, बिल्कुल बी सही, पर क्योंकि जब ये आएगा यहां से तो यहां से ये बहुत तेजी से आएगा, इसीलिए गोल्फ खेलने वाले खिलाड़ी सीधे बल्ले को कहां पर मारते हैं, गेंद को, यहां पर, क्योंकि पीछे बिल्कुल करते हैं और फिर स्पीड बढ़ाते बढ़ाते यहां पर बॉल को मारते हैं, गोल्फ की बॉल। तो बी पर स्पीड सबसे ज्यादा होगी, और जो बी की अवस्था है बेटा इसको बोलते हैं माध्य अवस्था। कौन सी अवस्था है ये, माध्य अवस्था या माध्य स्थिति। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस यस सर। तो आंसर है सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग अधिकतम कब होगा, कौन सी स्थिति में होगा। माध्य स्थिति में वेरी गुड बेटा, माध्य स्थिति माध्यवस्था। में या माध्यवस्था में वेग सबसे ज्यादा होगा। तो ये हमारा पेपर नंबर टू भी पूरा हो गया है, पेपर नंबर टू के प्रश्न अब आप कर लीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। चलिए अब आते हैं भैया पेपर नंबर थ्री में, और ये हमारा शायद लास्ट पेपर होगा, है ना, पेपर नंबर थ्री। चलिए पेपर नंबर थ्री करते हैं, पेपर नंबर थ्री में स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, प्लांक नियतांक की विमा किस भौतिक राशि के समान है। अभी अभी मैंने पढ़ाया है प्लांक नियतांक की विमा क्या होती है, एम एल टू टी की पावर माइनस वन, ये होती है। अब ये बताना है आपको कि ये किस भौतिक राशि के समान है, बताओ प्लांक नियतांक की विमा किस किस भौतिक राशि के समान है। कोणीय अच्छा, ऊर्जा बोला है आपने, किसने, जिस बच्चे ने भैया, ऊर्जा बोला है, बिल्कुल गलत बात है, कोणीय संवेग, संवेग, बिल्कुल सही, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, संवेग। बिल्कुल सही, कोणीय संवेग के बराबर होता है। कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू आई ओमेगा, नोट कर लो कॉपी में भैया, एल बराबर आई ओमेगा होता है कोणीय संवेग का फॉर्मूला। और आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, और ओमेगा होता है ओमेगा। तो आपको पता चल जाएगा एम का मतलब द्रव्यमान, बोले तो एम की पावर वन, कलर में चेंज कर दूं पेन का,
है ना। तो द्रव्यमान कितना हो गया भैया, m की पावर 1। ओके, देन r का मतलब लंबाई, लंबाई मतलब l की पावर 2, और ओमेगा अभी अभी मैंने आपको बताया था ओमेगा की डायमेंशन होती है t की पावर -1। तो ओमेगा की जो डायमेंशन होती है, ओमेगा की जो इकाई होती है वो कितनी होती है, t की पावर -1। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -1। कहीं पर कोई दिक्कत हो तुरंत पूछे। तो ये प्लांक नियतांक की विमा क्या आ गई, एम एल टू टी की पावर -1। चलो आगे चलें, डन। हाँ भाई रवि, डन भैया, बन, यस सर। हाँ दीपा, डन हो गया बेटा, समझ में आ गया ना। चल ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, नियत वेग से गतिशील वस्तु पर परिणामी वेग क्या होगा। ओहो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत मासूम प्रश्न है ये। नियत वेग से गतिशील वस्तु सर पर परिणामी बल कितना होगा, बोलो भैया। वेरी शून्य होगा सर। गुड बेटा, बहुत सही, शून्य होगा, क्योंकि बॉडी नियत वेग से जा रही है। तो त्वरण कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि नियत वेग में कोई त्वरण बनता ही नहीं है। और बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो जब त्वरण ही जीरो हो गया तो बल भी कितना होगा, शून्य होगा। चलिए अगला सवाल बेहद सिंपल। 2 किलोग्राम की कोई वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड से गतिशील है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। सर 4 जूल। 4 जूल होगी गतिज ऊर्जा। देखते हैं भैया, मुझे लग रहा है कि शायद गलती हुई है या नहीं हुई है, चलो देखते हैं। मुझे सही लग रहा है आपका आंसर। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। 1/2 जिंदाबाद, द्रव्यमान दिया है 2 किलोग्राम, ये भी जिंदाबाद। ओके, वी दिया है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आया 4। बिल्कुल सही जवाब है आपका, 4 जूल। चलिए अगला सवाल है, वलय, रिंग कह लो, चूड़ी कह लो, छल्ला कह लो, है ना, वलय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, वलय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ केंद्र होता है, पर। केंद्र पर। बिल्कुल, आंसर पूरा नहीं हो पाया, सवाल पूरा नहीं हो पाया, जवाब आ गया, जवाब बिल्कुल सही है, केंद्र पर। अगला सवाल है, द्विपरमाणविक गैस की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है ना, द्विपरमाणविक गैस की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। तो द्विपरमाणविक गैस की विशिष्ट ऊष्मा याद कर लीजिए, 1.4। बिल्कुल सही, 1.4। द्विपरमाणविक गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1.4, ठीक ना। अब इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है, बेटा माइक बंद करो, किस किधर से आवाज़ आ रही है। हाँ ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख लो बेटा, द्विपरमाणविक गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा का ये जो नियतांक होता है, गामा इज इक्वल टू 1+2 बाई एफ, 1+2 बाई एफ, ठीक है ना, 1+2 बाई एफ। तो देखिए क्या है बेटा, कैसे करते हैं इसको सॉल्व, 1+2 बाई एफ को, अभी अभी मैंने आपको बताया, 1+2 बाई एफ ये कहलाता है विशिष्ट ऊष्मा नियतांक गामा। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, ये एफ क्या होता है बेटा, एफ का मतलब होता है स्वतंत्रता की कोटि, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया स्वतंत्रता की कोटि, ठीक है ना। अब कौन सी गैस है बेटा, द्विपरमाणविक गैस है, तो द्विपरमाणविक गैस के लिए बेटा स्वतंत्रता की कोटि मैंने आपको पढ़ाई है, कितनी होती है द्विपरमाणविक गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि, 5। तो गामा इक्वल टू वन पांच प्लस टू बाई फाइव, ठीक है ना, और 1+2 बाई 5 का मतलब 0.4, आंसर आ गया कितना, 1.4। यस, तो ये आंसर है, गामा का फॉर्मूला 1+2 बाई एफ, नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है नीट पे ये क्वेश्चन। सो आंसर है 1+2 बाई एफ, ठीक है। हाँ भैया बोलो, यस समझ में आ गया ना, चलो ठीक ओके है, सर। बहुत अच्छे। अब भैया माइक ऑन करो, कौन ऑन करेगा माइक, निशा चक्रवर्ती, बाकी सब लोग माइक बंद कर ले, निशा चक्रवर्ती बेटा माइक ऑन कर लो। हाँ वेरी गुड यस निशा, आवाज आ रही ना, यस सर। चलो अब जवाब देना है तुमको बेटा, आराम आराम से, देखते हैं इसका जवाब क्या है। निशा ये बताइए, पहला सवाल, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बहुत फेमस सवाल, न्यूट्रॉन, चैडविक बिल्कुल सही, जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। अगला सवाल, थिंग
थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप का परिमाण नहीं है, परिमाप नहीं बेटा, ये परिमाण है। बताओ कितना होगा परिमाण? फाइव। वेरी गुड, फाइव। बता सकती हो जनता को कैसे आया फाइव? यस सर। कैसे आया सर? अंडर रूट करके, थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर अंडर रूट करके। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। इसके मतलब आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। चलिए अगला, जड़त्व कैसी राशि है बेटा, सदिश है कि अदिश है? सर अदिश। बिल्कुल सही, जड़त्व एक अदिश राशि है क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती है। अगला, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य किसमें परिवर्तन के बराबर होता है? अभी अभी मैंने बताया था कि कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, इसको बोलते हैं बल ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो बताओ किसके बराबर होता है, यहाँ पे क्या आएगा सर? गतिज ऊर्जा। एग्जैक्टली। चलो अगला, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है सर? 80 कैलोरी पर ग्राम। वेरी गुड, 80 कैलोरी पर ग्राम, ग्राम ठीक है ना, 80 कैलोरी पर ग्राम। चलो बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है आपके, 80 कैलोरी पर ग्राम। अगला सवाल मेरा आने वाला है, किससे पूछूंगा भैया, आप निशा माइक बंद कर लो, बल्लू रजक के नाम से जो बच्चा जुड़ा हुआ है भैया वो माइक ओपन कर लो। हाँ भाई। यस सर। चलो बेटा क्या नाम है बेटा आपका? नंदिनी रजक। नंदिनी, चलिए मुझे ये बताइए बेटा कि अगर एक ग्राम के लिए, अब मुझे ये बताओ आपकी, आपने देखा बल्ब की बर्फ की जो ऊष्मा थी गलन की वो थी 80 कैलोरी पर ग्राम। अगर आप इसको किलोग्राम में बर्फ ले लो, अगर आप ग्राम की जगह 1000, मतलब आप ग्राम की जगह किलोग्राम बर्फ ले लो 1 kg, तो यहाँ पे कितनी ऊष्मा लगेगी? मतलब आपके पास 1 ग्राम बर्फ है, 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में आपको लगती है कितनी ऊर्जा? 80। अगर मैं 1 ग्राम की जगह आपको 1 किलोग्राम बर्फ दे दूं और उसको पिघलाने को बोलूं, तो बताओ कितनी ऊष्मा लगेगी, कितनी ऊष्मा लगेगी? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी बताओ? नहीं पता, नहीं पता तो मना मना कर दो, नहीं पता सर। चलो ठीक है, ओके, माइक ऑफ कर लो, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम पूछते हैं दूसरे बच्चे से। हाँ दीपा बेटा, आप बताइए कि एक के लिए कितना लगेगी ऊर्जा? दीपा कोरी के नाम से जो बच्चा जुड़ा हुआ है, बताए मुझे कि 1 किलोग्राम बर्फ के लिए कितनी ऊर्जा लगेगी, बता सकते हो क्या? सर नहीं पता। चलो देखो बेटा, दीपा कौन बताएगा, कोई बच्चा बताए मेरे को, बोलो सर। मैं बताऊं? हाँ बोलो। 80। कितना बेटा? सर 80,000 कैलोरी। वेरी गुड बेटा, 80,000 कैलोरी। बिल्कुल सही, 80,000 कैलोरी। अरे भैया 1 ग्राम में लग रही थी 80 कैलोरी, अब आपको बोला गया 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है 1000 ग्राम, तो आपने 1 में 1000 का गुणा इधर कर दिया है, तो इधर भी 1000 का गुणा कर दो, तो 80 × 1000 कैलोरी मतलब 80,000 कैलोरी, और इसी को बोलते हैं बच्चों 80 किलो कैलोरी। लिख लो, किलो का मतलब क्या होता है? 1000, तो 1 किलो कैलोरी इक्वल टू होता है 1000 कैलोरी, तो नोट कर लीजिए 1 किलो कैलोरी इक्वल टू होता है 1000 कैलोरी, तो आंसर आएगा 80,000 कैलोरी। बोलो क्लियर। चलो सब माइक ऑफ कर लें, अगला सवाल पूछने वाला हूं मैं, अगला सवाल पूछने वाला हूं, माइक ऑफ कर लें। अगले सवाल का जवाब देंगे ड्रैगन गेमिंग। भैया तुम तो सबसे पहले कल से ये नाम बदल लेना, खतरनाक सा ड्रैगन गेमिंग, ऐसा लग रहा है कि ड्रैगन हमें ही को खा लेगा। हाँ माइक ऑन करो, ड्रैगन गेमिंग के नाम से कौन है भैया, नाम बताओ। अभिनंदन सोनी सर। अभिनंदन सोनी जी, अभिनंदन। ओके ओके अभिनंदन जी, बताइए, आपका अभिनंदन है सबसे पहले। अब बताइए आपकी सही जोड़ी बनाना है कि आवेग का आपको बताना है यहाँ पर कि आवेग का विमीय सूत्र क्या होगा, मतलब इकाई क्या होगी आवेग की? जी सर। हाँ आवेग इंपल्स की इकाई क्या होगी? सर न्यूटन इंटू सेकेंड। वेरी गुड, न्यूटन इंटू सेकेंड। आवेग का फॉर्मूला लिख लें बच्चे लोग, एफ इंटू डेल्टा टी, F का मतलब न्यूटन और टाइम का मतलब सेकेंड, तो पहले का आंसर होगा न्यूटन इंटू सेकेंड, बिल्कुल सही जवाब।
चलो सेकंड क्वेश्चन बताओ, शक्ति का क्या होगा? शक्ति शक्ति किसमें नापते हैं सर? शक्ति का वाट में होगा, बिल्कुल सही, सेकंड शक्ति का वाट में होगा। चलो बलाघूर्ण का बताओ बेटा कितना होगा? सर न्यूटन टू मीटर। वेरी गुड, बलाघूर्ण का फॉर्मूला बच्चों लिखे सब लोग, टॉर्क का, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ टू आर, बल गुणे लंबवत दूरी, बल नापा जाएगा न्यूटन में, दूरी नापी जाएगी मीटर में, तो बन गया न्यूटन मीटर, बिल्कुल सही। हाँ, कोणीय संवेग का फॉर्मूला बताओ बेटा क्या होगा? कोणीय संवेग किसमें नापा जाएगा बोलो? कोणीय संवेग भूल गए क्या? अभी अभी बताया था, कोणीय संवेग होता है एल बराबर आई ओमेगा, एल बराबर आई ओमेगा, याद आया? ओमेगा याद आया। और आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है एम आर स्क्वायर और ओमेगा, तो एम का मतलब किलोग्राम, आर का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और ओमेगा का मतलब सेकेंड इनवर्स। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। नोट कर लीजिए, कोणीय संवेग का जो होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, औसत मुक्त पथ, मुक्त पथ क्या है? लंबाई है, और लंबाई किसमें नापी जाएगी सर? मीटर में। मीटर में, तो बिल्कुल सही, ये पांचवे का हो गया मीटर। चलो हाँ, कोई बच्चा किसी को कहीं पर डाउट है प्लीज पूछो, बार बार नहीं बोलूंगा, खुद से पूछो, सबको क्लियर है, किसी का आवाज नहीं आ रही, डाउट क्लियर है सबके? चलो बेटा माइक ऑफ कर लो, अब आ जाए मैदान पे कौन? मुकुल सिंह परिहार, आप तो बहुत जवाब दे चुके हो, निशा की बारी हो गई। हाँ भाई पर्वत कुशवाहा आ जाओ भैया मैदान पे, माइक ओपन कर लो भैया, पर्वत कुशवाहा। हाँ भाई थोड़ा आसपास शांति का वातावरण है बेटा, की आवाज हो रही है? ठीक है भैया, चलिए तो जवाब दीजिए। पहला, प्रक्षेप गति में कौन सी राशि नियत रहती है? प्रक्षेप गति, गुरुत्व त्वरण। अरे भाई भाई क्या बात है भैया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है आपका। प्रक्षेप गति जो है गुरुत्व के अधीन होती है और धरती में होती है, तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है। गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक बताओ, गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक बताइए बेटा क्या होता है? गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वेरी गुड, जी कैपिटल जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एग्जैक्टली बेटा यही होता है इसका मात्रक। चलिए अगला, प्रत्यास्थता की सीमा किसे कहते हैं? क्लास में पढ़ाया है मैंने, प्रत्यास्थता की सीमा किसे कहते हैं बताओ भैया? विरूपक बल का वह अधिकतम मान, हाँ, जहां तक पदार्थ में प्रत्यास्थता रहती है। बिल्कुल सही, विरूपक बल का अधिकतम मान जहां तक उसको खींच सकते हो और वो वापस आ जाए, जहां तक बच्चा जो है घर छोड़ के भाग ना जाए पिटाई के बाद, वो वापस आ जाए, उसको बोलते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। पदार्थ जहां तक अपने आप को वापस कर पाता है उसको बोलते हैं सीमा। अगला सवाल बेटा, आज ही पढ़ाया है, एक परमाणविक गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? तीन। तीन, बिल्कुल सही, एक परमाणविक गैस की स्वतंत्रता की कोटि तीन होती है। हाँ भैया अगला बताइए। चलो अब माइक ऑफ कर दो बेटा आप, अगली बारी है रंगलाल पटेल, रंगलाल पटेल माइक ऑन करो। चलो yes, हाँ, सरल लोलक तो अभी आपने देख लिया ना बेटा क्या होता है सरल लोलक, हाँ या ना? यस सर। हाँ, अब जो है बेटा एक ऐसा लोलक जिसका आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब जहां से चला वहीं पर आने में लगने वाला समय, मतलब जैसे ये कोई लोलक है तो ये मान लो ये लोलक एक है यहां चक्कर में, एक चक्कर में, बिल्कुल सही, यहां से यहां गया फिर यहां आया फिर इधर गया और फिर वापस आया, तो यहां से टोटल वापस आने में जो लगने वाला समय होता है इसको बोलते हैं आवर्तकाल। तो एक विशेष प्रकार का लोलक होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी लोलक या सेकेंडरी पेंडुलम। तो सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितने सेकेंड होता है पता है आपको? नो सर। आंसर लिखो 2 सेकेंड। कितने सेकेंड होता है? 2 सेकेंड। दो, हाँ, तो सेकेंडरी लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो होता है 2 सेकेंड। ठीक है, चलिए
तो बच्चों ये, हाँ बेटा बोलो। की घड़ियों में लगा रहता है, हाँ दो सेकेंडरी। नहीं 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 वो नहीं होता बेटा, सेकेंडरी लोलक एक अलग बात है। सेकेंडरी लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो 2 सेकेंड हुआ करता है, घड़ियों में जो लगा होता है वो सेकेंडरी लोलक नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगले कुछ सवाल आपको दिए गए हैं। तो आज हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों के प्रश्न पत्र सॉल्व कर लिए हैं, कल आप लोगों को जो है इनके बाकी के जो सवाल बचे हुए हैं इनमें से अधिकतम सवाल ज़्यादा से ज़्यादा करके लेके आने हैं कॉपी में, और जो प्रश्न पत्र आपको मिले हुए हैं मॉडल पेपर, वो जो क्वेश्चन बैंक आए थे प्रश्न बैंक, उसकी कॉपी बना करके आप लोगों को सभी को रखनी है, आपके उसके नीचे लिखा हुआ है आदेश के नीचे, तो उसको आपको पालन करना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में जो बच्चे आए उनकी बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू बच्चों, गुड नाइट, गुड डे बच्चों, गुड डे सर, गुड डे, गुड डे सर, गुड डे।